गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कुछ देर बाद रात होने को है। कोई बात नहीं, देखिए मेरे पास क्या है आज, ठीक है। अनबॉक्सिंग कर लिया, चेक भी कर लिया क्योंकि चेक करना बहुत ज़रूरी है। और लिखा हुआ है कट एंड ओपन। ओके, कट एंड ओपन, कट एंड ओपन लिखा हुआ है, कट एंड ओपन। ओके, लो फाड़ दिया, कट कर दिया। तो ये था अंदर, ये जो है ये मिल रहा है, इसको क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता, पर ये सोल्डरिंग के लिए काम आता है। और ये एक्सट्रे के हिसाब से ये वाला कुछ पतले चीज़ों के लिए काम आता है, जैसे कि फ़ोन हो गया, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है फ़ोन के लिए, मैं सोचा छोटा होगा। मैं आपको और एक दिखाऊँगा, मैं और एक ऑर्डर कर लिया और उसका भी मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली ये कुछ दिन पहले किया था तो ये आ गया था, और दूसरा वाला अभी आया थोड़े पहले, वाला छोटा है फ़ोन के लिए। ये है, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, ये फ़ोन के लिए सही नहीं है, फ़ोन नहीं, एक्चुअली फ़ोन के लिए नहीं है ये। ये है ना, मेरे कुछ ब्लूटूथ स्पीकर्स है, मेरे कुछ मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ है जो कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ। और ऐसा होता है कि एक बैटरी ख़राब हो गया, मेरे पास बैटरी पड़े रहते हैं, ये फ़ोन वो फ़ोन के छोटे छोटे मोटे ले, उसके अंदर ये बैटरी घुसा दिया। या फिर मेरे पास एक स्मार्ट वो है, क्या बोलते हैं, एक स्मार्ट लाइट है जो कि पूरा बैटरी सिस्टम से चलता है, और उसका बैटरी ख़राब हो गया, तो मैं उसके लिए ये लाया। मतलब छोटा छोटा काम सही है, तो ये उतना काम का नहीं है, बहुत काम का है लेकिन उस लिए नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो गया मेरे लिए। और मैं एक छोटा सा लैम्प रेडी कर रहा हूँ जो कि प्रोसेस में है, मैं दिखाऊंगा उसको भी, क्योंकि मुझे टेबल लैम्प बहुत ज़्यादा पसंद है। टेबल लैम्प अलग अलग टाइप के, ये जो लाइट दिख रहा है ये भी टेबल लैम्प चल रहा है, और एक लाइट है जो कि मैंने ऑन नहीं किया, ब्लू कलर का लाइट है, वो भी ब्लू है, मतलब उसमें स्मार्ट लाइट लगा दिया मैं, जो कि स्मार्ट लाइट विप्रो का मिलता है, वो स्मार्ट लाइट लगा दिया। और स्टडी लैम्प का जो मेटल का स्टैंड होता है ना, स्टडी लैम्प का जो स्टैंड मेटल का 300 से 500 600 के अंदर मिलता है, वो वाला मैंने उसके अंदर फिट करके ऊपर लगा दिया मेरे अलमारी के ऊपर, जिससे पूरा लाइट इधर गिरे और जब भी चाहे मैं कंट्रोल करूँ। और ये जो दिख रहा है ये मेरा स्टडी लैम्प का है, उस साइड है, ठीक है। तो इसका मैं क्वालिटी बोल रहा हूँ, जल्दी गर्म हो गया, थर्मिस्ट बोल के कोई कंपनी का है, लोकल कंपनी है, 200 रुपीज़ प्राइस है। मुझे 160 रुपीज़ में भी एक मिला था, लेकिन मैं सोचा ये वाला छोटा है तो मैं ये लेके आ गया। आप लोग यूज़ कीजिए, मैं और एक वीडियो दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये पसंद है तो आप ये भी ले सकते हैं। ये एक्स्ट्रा तो मिला है, ये वाला मोटा साइज़ है, वो पतला है, आप लोग यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन यार मुझे थोड़ा छोटा चाहिए था, पेन टाइप का, ये पेन टाइप का है ही नहीं हाथ जल जाएगा, इसको ऐसे ही पकड़ना होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे चाहिए छोटा सा, जैसे मैं पूरा ईज़िली कर सकूँ जो करना है, ठीक है। और मैंने इतना कुछ अनबॉक्सिंग किया, बहुत कुछ अनबॉक्सिंग किया, आपको पता है इतना कुछ अनबॉक्सिंग करके यार चीज़ होता है, एक साल जाता है, कोई 3 मंथ्स जाता है, कोई स्पीकर हो या फिर मेरे पास 3 ब्लूटूथ स्पीकर है, तीनों मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। मेरे हर एक वीडियो में जो भी गाना होता है ना, मेरा बोट स्पीकर होता है, बोट 300 में, और उससे पहले मतलब आज से बोट का स्पीकर जब मैं अनबॉक्सिंग नहीं किया था, 3-4 मंथ्स पहले जो मेरा स्पीकर था वो ख़राब हो गया था, वो था साउंड बोट का, वो भी मैंने बैटरी चेंज करके सही करवाया, लेकिन वो वारंटी था और वारंटी क्लेम नहीं कर पाया मैं, करवा पाया मैं, और अमेज़न वालों ने मुझे हेल्प किया, वो लोग मुझे रिफ़ंड करवा दिया, वो प्रोडक्ट भी रखने को दिया। और ऐसे बहुत कुछ है जो कि छोटा मोटे चीज़ के लिए ख़राब हो जाता है, एक वायर के लिए, एक चीज़ के लिए बहुत कुछ है, और इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके लिए, तो बस इसीलिए ये है। और एक इसके साथ ना और भी दो चीज़ होता है, एक है ना पेस्ट होता है, वो पेस्ट मुझे ना कहीं पे नहीं मिला, तो आप लोग जब ऑनलाइन खरीदेगा ना तो एक चीज़ करना कि आप पेस्ट भी मिल जाए इसके साथ, वो थोड़ा ध्यान में रखना। वो पेस्ट पता नहीं क्या काम में आता है, अगर पता है आपको कि इसका पेस्ट क्या काम का आता है तो मुझे कमेंट कर देना, और इसके बारे में और भी कुछ पता हो ना मुझे कमेंट कर देना, मैं एकदम बिल्कुल नया हूँ इस बारे में। हाँ, मुझे भी माना ना क्या, देखो मैं इंजीनियर स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ पर इंजीनियर स्टूडेंट नहीं हूँ, और जब भी मैं फेसबुक में कोई इंजीनियर स्टूडेंट को देखता हूँ तो वो लोग एक घर बनाता है, छोटा सा बिल्ड करते हैं, जो कि पता है खिलौना टाइप का जो होता है ना, जो हम लोग स्कूल के टाइम भी करते थे वो, और अंदर ना राइस लाइट का भी आपको रिव्यू मिल जाएगा मेरे अकाउंट पे, आप लोग सर्च कीजिए मेरे नेम से, इतना बड़ा सा नाम है मेरा, ठीक है।
आप लोग को राइस लाइट का भी रिव्यू मिल जाएगा, बहुत अच्छा राइस लाइट है, अभी भी चलता है और बहुत ज़्यादा मस्त है। तो उस लाइट राइस का भी आपको रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्राइस 500 लिखा हुआ है, पर 500 है नहीं, तो ऐसे ही फ़र्क पड़ता है, बहुत कुछ लेके फ़र्क पड़ता है। हाँ, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि आप लोग रिव्यू देखिए मेरे यहाँ पे, जो भी रिव्यू देता हूँ, और जो भी मैं देता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि पैसा दो खरीद लिया दिखाने के लिए, व्यू बढ़ाने के, ऐसा नहीं है। जो काम आ जाएगा और जो सही में कम प्राइस का होता है वही मैं लेता हूँ, जिससे मेरा बजट हो, बजट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है, मैं और एक दिखाऊंगा। मैं ये अभी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ वीडियो। हाँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिखाने को है नहीं, इसमें ले गया, कोई बात नहीं। इसमें शॉक प्रूफ है ये, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ब्लास्ट नहीं होने वाला, दम जो होता है वो नहीं होने वाला, क्योंकि होता है पूरा एकदम स्पार्क करता है। स्पार्क से याद आया, मैंने रिसेंटली टेक्नो का स्पार्क लिया यार, इंडियन कंपनी सुनते सुनते मैंने ले लिया, तो बाद में मुझे पता चला कि हाई यूएस जो है वो एक्चुअली संघाई के वही से बना हुआ है, बहुत कुछ पीछे मामला है। सेफ है कि नहीं नहीं पता, कुछ भी सेफ नहीं है, देखो कोई भी कुछ भी सेफ नहीं है, सैमसंग वो खुद भी सेफ नहीं है, ठीक है, आईफोन ही एक फिर सिर्फ सेफ है, क्योंकि इसका आईक्लाउड, एक बार आईक्लाउड बना लिया तो बनते ही रहता है, मतलब उसके अलावा कोई कभी कुछ कर नहीं पाता है, रिसेट भी नहीं कर होता पाता है, खोलना इम्पॉसिबल हो जाता है, दो चार चीज़ काम आता है, बहुत बहुत अच्छा होता है आईफोन, पर मेरे पास नहीं है इतना पैसा। तो रिव्यू ज़रूर देखना, टेक्नो कंपनी का फ़ोन सही में अच्छा हुआ, इसका भी रिव्यू है, आप लोग सर्च कीजिए, फिर थोड़ा पीछे वाले वीडियो देख लीजिए ना, बहुत सारे वीडियोस है मेरे पास। और फिर मिलते हैं, मेरे पास और एक मैं ऑर्डर किया, वो उसका भी मैं रिव्यू देखता हूँ, वो भी देख लेना, इसके बाद वाला वीडियो है।